की माँ बोली, सुशील कुमार को फांसी दो, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। छत्रसाल स्टेडियम में हुए 4 मई को झगड़े में जान गंवा चुके पहलवान सागर राणा के माता पिता ने 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके सुशील कुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। सागर छत्रसाल में ट्रेनिंग करता था, लेकिन एक झगड़े ने सब कुछ बदल दिया। अब मृतक पहलवान सागर की मां सविता ने कहा कि सुशील को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो अब गुरु कहलाने के लायक नहीं है। सुशील और उसके साथियों पर 23 वर्षीय पहलवान सागर की हत्या का आरोप लगाया गया है, जो दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करता था। सागर राणा के माता पिता को डर है कि सुशील कुमार अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। सागर के पिता अशोक ने कहा है कि इसकी भी कोर्ट जांच होनी चाहिए, ताकि सुशील के राजनीतिक कड़िया पुलिस जांच से छेड़छाड़ न करे। सागर की मां ने सुशील पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गुरु कहलाने के लायक नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार और सह आरोपी अजय को रविवार सुबह मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सुशील 19 दिन से फरार चल रहा था। सुशील और उसके सहयोगी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सागर राणा की मां ने सुशील को फांसी देने की मांग करते हुए कहा, जिसने मेरे बेटे की हत्या की वह गुरु कहलाने के लायक नहीं है। सुशील कुमार द्वारा जीते गए सभी पदक उनसे वापस लिए जाने चाहिए। हमारी सरकार और न्यायपालिका से मांग है कि सुशील को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि हमें न्याय मिल सके। हमें विश्वास है कि पुलिस ठीक से जांच करेगी, लेकिन सुशील अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग करके इसे प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। सागर के पिता अशोक ने अधिकारियों से सुशील के अपराधियों के साथ कथित संबंधों की जाँच करने का भी आग्रह किया। सागर के पिता बेगमपुर थाने में सिपाही है। उन्होंने कहा, हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। वह कहा गया जब वह फरार था, जिसने उसे आश्रय दिया, और सबसे महत्वपूर्ण गैंगस्टर जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है, उसे फांसी दी जानी चाहिए, ताकि लोग सबक सीखे और अपने ही छात्र को मारने से पहले सोचे। गौरतलब है कि सागर सुशील को अपना गुरु मानते थे और 2 बार के ओलंपियन की पत्नी के नाम से पंजीकृत संपत्ति में रह रहे थे। इसी बीच सागर के मामा ने स्थानीय राजनेताओं के समर्थन की कमी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हरियाणा और भाजपा सरकार ने सागर के निधन पर शोक के 2 शब्द नहीं बोले। सागर हरियाणा भाजपा अध्यक्ष प्रकाश धनखड़ के स्थानीय इलाके का बच्चा था, लेकिन उसने फोन भी नहीं किया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।